अभी हम लोग रेडी हो के निकलेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी निकलने के, बट जल्दी तो जा नहीं पाते, हर बार लेट हो जाते कोई। तो अभी हम लोगों के सब प्रिपरेशन चल रही है। ये हमारा रूम है, मैं यहीं पर रात को सोया था। और जो यहाँ का व्यू है काफ़ी अच्छा है, जो हमारे रूम से व्यू है यहाँ पे, शायद इसमें आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जो वहाँ पे पीछे जो पूरा पहाड़ है वो बर्फ़ से ढका हुआ है। और मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से चल के, अगर दिखता है तो। फिलहाल जो है सब लोग अभी सो रहे हैं, आलसी आलसी लोग हैं। ये तो भाई नहा लिया, ये भाई अभी रेडी है, रेडी ऑलमोस्ट रेडी। ये पाजी अभी जी सो के उठ रहे हैं अभी, या उठ चुके हैं। टॉकिंग इंग्लिश, आई डोंट नो हिंदी, या ही इज इन स्लीपी नाउ, या आई एम स्लीपी मोड, यू आर स्लीपी मोड नाउ। या ओके, जब वेक अप एंड गेट फ्रेश। आई एम ओके स्वैप। ओके, बाहर चलता हूँ। और भी रोहन और भावेश वो दोनों कर रहे हैं अपने बाइक की सर्विस। और जो यहाँ का नज़ारा है रूम से, वो कुछ इस तरीके से है पीछे, और काफ़ी सही अच्छा व्यू है यहाँ का। और जो पीछे वो पहाड़ दिख रहे हैं वो पीछे है किन्नौर कैलाश है वो, और सारे पूरे पहाड़ जो है बर्फ़ से ढके हुए हैं, और काफ़ी अच्छा व्यू है। ये होटल काफ़ी अच्छा है। मैं बस अभी रेडी हो रहा हूँ जाने के लिए। अभी बाइक भी हमारी जो है यहीं पे पार्क हो गई थी रात को, दो में मेरी बाइक है और बाकी जो बाइक है वो पीछे की तरफ है। फिलहाल भावेश और रोहन तो गए उसके, भावेश की बाइक की टोटल केबल लेने के लिए गए, उसको चेंज करनी थी। तो अभी मैं होता हूँ रेडी, रेडी होते होते और उसके बाद आपसे रेडी होने के बाद बात करता हूँ। भाई इस जगह से जाने का मन नहीं कर रहा, कसम से नहीं मन कर रहा यार। ऐसा व्यू है ना, ऐसा भी इतना खतरनाक व्यू है ना, कसम से मन नहीं कर रहा जाने का। अभी हमारी बाइक से रेडी हो चुकी है, हमने सब ने अपना बैग पैक वगैरह कर लिया बाइक पे। तो ये होटल है पीछे, होटल कल्पा मैंसन, जिसमें हमने रात को स्टे किया था। और काफ़ी अच्छा होटल है, काफ़ी अच्छी सर्विस हमको यहाँ पे मिली है, और खाना भी अच्छा है यहाँ पे। और बस अभी हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हो चुके हैं। एक बार अंदर रूम में जाता हूँ, मैं चेक करता हूँ सब लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ से जो व्यू है ना बहुत मस्त है, पीछे का व्यू, वो पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हो जो पूरे बर्फ़ से ढका हुआ है, वो है कैलाश, ओ सॉरी किन्नौर कैलाश जो है। और अभी ठीक है भाई, सब लोग रेडी है, सब रेडी है भाई, बस पैक भाई रेडी है बस, और हमारे निखिल भाई और फिर रेडी है। ठीक है, गियर भी पहले अपनी रेडी, या आई एम रेडी, वी आर मूविंग टू खासा, यो या फिर प्रवास नहीं, ओ प्रवास ब्रो, ऑलमोस्ट रेडी सो, या आई एम रेडी, यू आल्सो रेडी, या रेडी, कम ऑन। Just and we are just about to check out the hotel. Yeah. So this is the condition of room now. We have changed everything.
अभी हम लोग जा रहे थे कल्पा से काजा की तरफ, तो रास्ते में जो है थोड़ा ब्लास्ट हुआ है, तो वहाँ पे पीछे की तरफ कुछ काम चल रहा है, तो इस वजह से अभी ब्लॉक किया हुआ है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं और ये सारा जो है सारे लोग वेट कर रहे हैं अभी। और यहाँ पे मौसम काफ़ी सही है, धूप आ रही है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं, सही है, काफ़ी अच्छा मौसम है। तो अभी हम लोग सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी मज़ा आ रहा है एंजॉय करने में। तो सीन ये है कि काफ़ी अच्छा अभी तो हम लोगों ने रास्ता कवर कर लिया है, बट इशू मेरे को ये आ रहा है कि जो मेरे बाइक में टायर है ये दिखाता हूँ, इसमें ग्रिप नहीं है, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा स्लो चलना पड़ रहा है। ये सारे लोग बार बार आगे निकल जाते हैं, तो मेरे को पीछे आना पड़ रहा है बार बार। जो मेरे बाइक में टायर है वो ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है बिल्कुल भी, हिल एरिया के लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो इस वजह से मेरे को थोड़ी स्पीड कम करके चलनी पड़ी। और ये सारे लोग आगे निकल रहे हैं, फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग ये सब वेट कर रहे हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। हे ब्रो, टेल मी हाउ इज फीलिंग हियर? आई फीलिंग नाइस बिकॉज़ दिस इज अ न्यू प्लेस टू विजिट। यू आर फीलिंग लाइक यू आर इन हेवन? या या, इन पैराडाइज। या या, दिस इज न्यू फॉर मी, दिस इज एडवेंचर। आई डोंट वरी अबाउट द ट्रैफिक और समथिंग। तो हम लोग अभी रुके हैं नाको से 100 मीटर पीछे, और यहाँ पे एक पीछे कैफ़े है, और हम लोग यहाँ पे अपना अभी कुछ खा पी रहे, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने कुछ खाया नहीं, और आज भी हम थोड़ा लेट हो गए क्योंकि रास्ते काफ़ी ख़राब है बीच में, और भी दूसरा ग्रुप आ रहा था, तो उनकी बाइक में पंचर हो गया था, उनकी हेल्प करने के लिए तो हम लोग रुक गए, तो वहाँ पे भी हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया था। टाइम वेस्ट की तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने उनकी हेल्प कर दी, टायर पंचर हो गया था तो उसकी वजह से हमें थोड़ा और लेट हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। और यहाँ पे अभी काफ़ी ठंड है, ठंडी हवा चल रही है, और जो मेरे पीछे है बिल्कुल वो हेलीपैड है, वहाँ पर अभी हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक की है, और हमने जो अभी खाने के लिए ऑर्डर किया है, मैंने ऑर्डर किया मैगी एंड मोमोज, और अभी लोग खा रहे हैं मोमोज। भाई ये कौन से? ये मटन, ये मटन है, वो भी मटन है, वेज आ रहे हैं। हाँ भाई, वेज आ रहे हैं। वेज तो ये मोमोज कैसा है? बहुत बढ़िया बढ़िया, ओवरऑल चलो या और 8% ओके। एंड हम लोगों ने अपनी बाइक्स यहाँ पे पार्क कर दिए, और जो यहाँ का वेदर है काफ़ी ठंडा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे अभी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया काजा ना जाकर, आज हम लोग नाको में स्टे कर रहे हैं, और काजा जो है यहाँ से 110 किलोमीटर है, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम लोग यहीं पे काजा में रुक रहे हैं, सॉरी नाको में रुक रहे हैं, और हम कल सुबह जाएंगे काजा में। तो अभी भूख लग रही है, कुछ खाते हैं फटाफट। So guys, after having a tea at there, we are staying here in this cafe, and there is the room. We have taken a room here only. और जो हम लोग हैं ये नाका ही है, ऑलमोस्ट नाका है, यहाँ से जो पीछे की तरफ है वो नाका गांव है, और जो नाका है वो सॉरी नाको जो है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे जो अभी है ठंड काफ़ी है, इसलिए मेरे को ये कैप पहननी पड़ रही है। और जो यहाँ पे वो है गैलेक्सी व्यू यहाँ से दिख रहा है, शायद कैमरे में अभी इतना ना दिख पाए,
लेकिन यहाँ पे जो है फिलहाल अभी काफ़ी ठंड है, और मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। ये रास्ता है यहाँ से जाने का, दिस इज आवर रूम, बट वी हैव पार्क्ड आवर बाइक ओवर हियर एंड दिस इज सेफ एरिया फॉर आवर बाइक्स, सो लेट मी शो यू आवर रूम। ब्रो एक्सक्यूज मी, ब्रो एक्सक्यूज मी, चलो आप थुक्का ला दो मेरे लिए भैया। सो इन लोगों ने अभी जो है मोमोज ऑर्डर किया था, तो ये है हमारा रूम। हाय ब्रो, हाय, सो दिस इज आवर रूम। ब्रो नूडल्स होती है, सो दिस इज आवर रूम फॉर टुनाइट एंड दिस इज ओनली 150 पर पर्सन ओनली, सो दिस इज द चीपेस्ट रूम वी हैव एवर गॉट इन होल ट्रिप एंड दिस गाइस ऑर्डर्ड मोमोज अगेन बिकॉज दे लव मोमोज ऑन दिस एरिया। भाई एक बार दोबारा बताओ मोमोज कैसे हैं? तुम थुप्पा मंगा रहे हो? कितने थुप्पा? ऑसम मोमोज। क्या ऑर्डर कर रहे हो? थुप्पा थुप्पा व्हाट थुप्पा व्हाट थुप्पा व्हाट इज थुप्पा? आई आल्सो डोंट नो ब्रो। यहां की डिश है क्या? ओके वी विल ट्राई इट। सो भाई ये हमारा रूम आज के लिए, तो अभी हमारा जो सारा स्टाफ है पीछे यहाँ पे सारा स्टाफ फैला हुआ है, तो वहाँ पे हमारे हेलमेट है, वहाँ पे सारा हमारा स्टाफ फैला हुआ है। रूम काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सही रूम है, कोई दिक्कत नहीं। सो ये जो ऑल्सो टॉपिंग एंड यहाँ पे जो है सिर्फ BSNL के नेटवर्क आते हैं, और कोई नेटवर्क नहीं आ रहे, ना एयरटेल ना वोडाफोन, और कोई नेटवर्क नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे ठंड जो है इसलिए मैं बोलते बोलते काफ़ी सांस चढ़ रहा मेरे को, तो इसलिए आज का जो है हमारा व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, और नेक्स्ट राइड हमारी कल होगी नागपुर से काडा, जो कि 100 किलोमीटर ही है। भाई लो यार, भाई भाई एक मिनट एक मिनट, मैं लोग प्रत करें तो थैंक यू। सो आज का वीडियो मैं इसलिए यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, और बाकी जो हमारी कल की राइड होगी वो होगी नाको से काजा 110 किलोमीटर, और हम लोग यहाँ से सुबह जल्दी निकलने वाले। भाई कितने लोग बताओ कितने बजे तक हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे सुबह? भाई मेरे को सुबह यहाँ पे सनराइज़ देखना है, जो कि 6:30 बजे होगा, मैंने कन्फर्म कर लिया। हाँ और मैं आपको हाँ भाई 7 और 8 तो हम लोग कोशिश करेंगे 7-8 बजे तक निकलने के लिए, बाकी हर बार लेट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर बाकी आज की राइड हमारी होती है यहीं पे ख़त्म। काफ़ी बेकार रोड है अभी तक के जो हमें मिले, कई जगह काफ़ी अच्छे रोड मिले हैं, लेकिन जो रोड है काफ़ी कंडीशन ख़राब है रोड की। तो चलो फिर आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, बाकी अब आप मेरे को नेक्स्ट वीडियो देखना। तो हम लोग जाएंगे यहाँ से काजा, और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचने की। तो चलो बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।